सुना इंसान सुना सुना गुरु ज्ञान के बिना हरे मंदिर सुना सुना भगवान के बिना मंदिर सुना सुना भगवान के बिना सुना सुना भगवान के बिना समाज जाता
इतना तो ये है सरपंच के इलेक्शन में गांव में लोग करोड़ों रुपए लगा देते हैं, लेकिन सरपंच का वास्तविक अर्थ क्या होता है किसी को बताना। पहले जब सरपंच बिना वोट वो बनता था, जो प्रतिष्ठित जिसके पास न्याय होता था उसी को सरपंच मानते थे, और सरपंच का मतलब ये होता है कि गांव का हर तरीके के फैसला किसी के साथ दुख सुख में साथ खड़ा रहना, वही सरपंच कहलाता है। लेकिन आजकल का स्वार्थी इस चीज से कोई मतलब नहीं रखता। ये ऐसे समाज को भी सुनना बताया गया जिसका मुखिया बेटी हो, जिसको दुख दर्द हो, किसी की पीड़ा से दुख नहीं हो। सुनोगे समाज जानो मुखिया बेटी हो, तो लेकिन जब वो पीहर आएगी और भाई नहीं है तो पीहर भी उस बहन के लिए सुना कहा गया है, क्योंकि बहन भाई का सबसे बड़ा पवित्र रिश्ता माना गया है हमारे संस्कृति के अंदर। ये सब कैसे लगते हैं कभी कहता है ओ रामा दल सुना सुना, रामा दल सुना सुना, हनुमान के बिना मंदिर सुना सुना, ताकि स्त्री सोने श्रृंगार करते रहती है, बोली स्त्री सुंदर दिखती है। और आजकल सुंदरता कुछ का देख देख के टीवी में कुछ अलग बना लिया, वो एक सिस्टम अलग है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि माताओं को सोने श्रृंगार करने चाहिए। सुनी है वो नारी जाते नाई श्रृंगार हो, सुनी है वो नारी जाते सुनो है वो छछरी जाते नाई तलवार हो, सुनो है वो छछरी जाते नाई तलवार हो, सुनी जाते नाई सरकार हो, सुनी है राजधानी जाते नाई सरकार हो, सुनी वो सजनिया सुनी वो सजनिया जातो नाई भरता समाज में। उस माता भी जीना बड़ा दुश्मन है जिनके पति जो विधवा हो जाए, उस नारी का भी जीना इस समाज में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहा जाता है कि स्त्री के लिए तो पति सब कुछ होता है। भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ, माँ सीता जाने के लिए तैयार हुई, भगवान ने कहा कि सीता वनवास मेरे को हुआ है, मुझे जाना चाहिए, और मेरे माता पिता हैं इनकी सेवा आप करना, आप जंगल में मेरे साथ कैसे रह पाओगे। लेकिन माता सीता ने कहा प्रभु आप ही मुझे जवाब दीजिए। तुलसीदासी ने वर्णन किया जिए बिन देह नदी बिन वारी, जिए बिन देह नदी बिन वारी, तैसी ये नाथ पुरुष बिन नारी, तैसी ये नाथ पुरुष बिन नारी, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, लाए वचन पति प्रकट
इसलिए कभी कहता ये सब कैसे लगते हैं। सारी रामायण में अगर भगवान श्री राम का नाम ना हो तो रामायण कैसी लगेगी, क्योंकि रामायण जी की जो सुंदरता है वो राम जी के नाम से ही है। रामायण सुनी सुनी रामायण सुनी सुनी श्री राम के बिना Thank you.